सिक्योरिटीज के बारे में। और ये जो IIFL सिक्योरिटीज है, आज इसमें लगभग लगभग 20% का हमें लोअर सर्किट देखने को मिला है, यानी 20% का आज इसमें लोअर सर्किट लगा। तो आइए रीजंस जानते हैं कि इसके पीछे क्या रीजंस था। अब देखिए, तो जो सेबी है ना, तो सेबी जो है ना, तो अब IIFL सिक्योरिटीज को इसने नहीं बना सकते हैं। तो अब देखिए, जब ये 2 साल तक अगर नया क्लाइंट्स नहीं बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इनके बिजनेस के ऊपर असर पड़ेगा। तो जब बिजनेस के ऊपर पड़ेगा तो जो रेवेन्यू है वे कम आएगा और जो नेट प्रॉफिट है वे इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो देखिए, तो इसके पीछे जो रीजंस है ना, 2011 से लेकर 2017 तक IIFL सिक्योरिटीज में बहुत ही क्या बोलते हैं, एक फ्रॉड चल रहा था। और देखिए, यहाँ पर जो न्यूज आपको आ रहा है, और जो क्लाइंट्स के जो पैसे है, तो IIFL उसको मिसयूज कर रहा था। सिक्योरिटीज है तो जो क्लाइंट्स के जो पैसे थे उनका काफी ज्यादा मिसयूज हुआ है। तो इसीलिए सेबी ने क्या बोलते हैं, एक्शन लिया है और इसके ऊपर पेनाल्टी भी लगाया है। और देखिए, मार्केट क्लोजिंग होते होते लगभग लगभग ये 16.5% के गिरावट के साथ बंद हुआ। एक समय ऐसा था कि जिसमें 57.50 रुपया का एक लोअर सर्किट मारा था। तो चलिए, अब इस कंपनी का थोड़ा सा हम फंडामेंटल देख लेते हैं। देखिए, हम कंपनी चाहेंगे तो कोई फायदा नहीं, तो आप अभी इस शेयर से दूर रहिए, क्योंकि ये जो IIFL है ये शायद से कोर्ट में भी जाने वाली है। तो अगर कोर्ट की तरफ से अगर कोई डिसीजन आता है तो तभी इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो खास करके जो रिटेल इन्वेस्टर है तो वे इस शेयर से अभी बिल्कुल दूर रहे। तो चलिए, कंपनी का बिजनेस क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस क्या है कि ये रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, यानी जो ब्रोकर्स होते हैं उस टाइप का, फाइनेंशियल प्रोडक्ट ब्रोकिंग करती है, करेंसी ब्रोकिंग करती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करती है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, ये प्रोवाइड हमारे कंट्री में, चाहे वे रिटेल कस्टमर हो चाहे वे इंस्टीट्यूशनल कस्टमर हो। अब देखिए, कंपनी का जो मार्केट कैप है वे लगभग 1826 करोड़ है। स्टॉक का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो देखा जाए तो 7.31 है, और इसका जो 52 वीक हाई है वे लगभग 80 रुपये, और 52 वीक लो 48.20 रुपीज है। ये कंपनी आपको डिविडेंड 5.07, फेस वैल्यू कंपनी का 2 है, और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वे 44.2 है। तो ये थोड़ा सा इसके क्वार्टरली बेसिस के ऊपर देख लेते हैं कि कंपनी का क्या रिजल्ट। देखिए, क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वे इंक्रीज हुआ है, और इनका जो नेट प्रॉफिट है वे भी इंक्रीज हुआ है। आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। बात करूं तो ईयरली बेसिस के ऊपर भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वे काफी ज्यादा बड़ा है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर की अगर मैं बात करूं तो 181 करोड़ का प्रॉफिट है। 2019 की अगर मैं बात करूं तो 71 करोड़ का प्रॉफिट है। 2020 में 234 करोड़ का प्रॉफिट है। 2021 में 220 करोड़ का प्रॉफिट है। 2022 में 306 करोड़ का प्रॉफिट है, और 2023 में 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यानी कंपनी का जो रिजल्ट है वे काफी अच्छा है, और कंपनी का जो रिजर्व है तो कंपनी का रिजर्व भी काफी ज्यादा तेजी से बड़ा है। और अभी कंपनी के पास जो रिजर्व है वे लगभग लगभग 1290 करोड़ है। कंपनी के ऊपर ये जो कर्जा है वे 486 करोड़ का है, और जो कंपनी का जो अदर लाइबिलिटीज है उसके ऊपर 3401 करोड़ है। अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर इसके पास लगभग 31.14% का स्टेक है। FIs के पास 16.48% का स्टेक है। DIs के पास 3.20% का स्टेक है, और पब्लिक के पास 49.16% का स्टेक है। तो देखिए, तो जब तक इसके अंदर हमें पॉजिटिव न्यूज नहीं आता है तब तक हमें इस शेयर से बिल्कुल दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि IIFL सिक्योरिटीज में 2011 से लेकर 2017 तक जो इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा था, जो क्लाइंट्स का जो पैसे को मिसयूज किया जा रहा था, तो सेबी ने उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया,
और देखिए 2017 2011 से लेकर 17 तक, यानी आज चल रहा है 2023, यानी 6 साल के बाद सेबी ने एक्शन लिया है। इसमें तो बेचारे जो रिटेल इन्वेस्टर है वे तो फंस गए, बट जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वे तो अपना माल बेचकर बिल्कुल निकल चुके हैं। तो आप इस शेयर से बिल्कुल दूरी बना के रखें, और जैसे इसके अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज आता है तो मैं आपको समय समय पर अपडेट करता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।